नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हम आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम को रद्द किया गया, उसको लेकर के अब सीबीएसई ने एक नई स्कीम को लाया है। सीबीएसई परीक्षाओं मूल्यांकन को लेकर के एक नई स्कीम को लाया गया है। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो क्या स्कीम है, किस तरीके से अब सीबीएसई की परीक्षा होंगी। 2021-22 से इस स्कीम को लागू किया जाएगा। इस स्कीम में ये है कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड होते हैं, उस बोर्ड एग्जाम के लिए अब दो टर्म बांट दिया गया है। यानी कि 10वीं के जो सिलेबस है उसको 50% में एक टर्म में एग्जाम लिया जाएगा और 50% सिलेबस का सेकेंड टर्म में एग्जाम लिया जाएगा। और यही 12th बोर्ड के लिए भी लागू होगा। पहली बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही करवाई जाएंगी, यानी पहले टर्म के जो एग्ज़ाम हैं वो भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही करवाए जाएंगे और दूसरे टर्म के एग्ज़ाम को भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही करवाए जाएंगे। इसलिए अब छात्रों को एक साल में दो बार बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। और क्या कुछ डिटेल्स है हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से परीक्षाएं ली जाएंगी, कैसे मार्किंग की जाएंगी। बोर्ड हर एक टर्म के आखिर में बटे हुए सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं लेंगी। बोर्ड प्रश्न पत्र तैयार करके इन्हें स्कूल को भेज देगा। आंसर शीट के मूल्यांकन की प्रोसेस भी बोर्ड ही तय करेंगी। ये परीक्षाएं बाहर से भेजे गए सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्व की निगरानी में की जाएंगी। स्टूडेंट पहले और दूसरे टर्म में जो नंबर हासिल करेंगे उसके आधार पर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही 9वीं 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क, बोलने और सुनने की एक्टिविटीज शामिल होंगी। 11वीं और 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में टॉपिक एंड या फिर यूनिट टेस्ट, रिसर्च एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क शामिल किए जाएंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को स्टूडेंट की प्रोफाइल तैयार करने को भी कहा है। स्कूल भर में किए गए सभी असेसमेंट के लिए स्टूडेंट की प्रोफाइल तैयार करेंगे और उसका डिजिटल फॉर्मेट बनाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि जब तक स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, तब तक स्कूल डिस्टेंस मोड में पढ़ाना जारी रखेंगे। तो आपको हमने बताया कि किस तरीके से इस बार बोर्ड परीक्षा के एग्जाम लिए जाएंगे। इस नए स्कीम को सीबीएसई ने लाया है क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से परीक्षाओं को रद्द किया गया, 10वीं की परीक्षा भी रद्द हुई और 12वीं की परीक्षा भी रद्द की गई, इसको लेकर के सीबीएसई ने अब नए स्कीम को लाया है। और इसी के तहत अब आगे की जो सीबीएसई के एग्जाम होंगे, सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th के जो एग्जाम होंगे उसके मूल्यांकन भी किए जाएंगे। इसमें आपका सारा एक्टिविटी, जो स्टूडेंट के एक्टिविटी है, उन सबको देखा जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल वर्क हो, असिस्टेंट असाइनमेंट हो या फिर जो आपका बोलने और सुनने की क्षमता या जो भी आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप करते हैं या स्टूडेंट जो स्कूल परफॉर्मेंस देते हैं, इन सबको शामिल किया जाएगा और इसके तहत आपकी मार्किंग की जाएंगी। ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये नई स्कीम लाई गई है और इसकी तरफ अब 2021-22 के जो सेशन है जिसमें बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो इसी के तहत कराई जाएंगी। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।